दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हमारी साथी डॉक्टर रितु बैठी हुई है, उसके ऊपर उसके कॉलेज के 35 बच्चों से कंप्लेन करा दी गई। जब उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो पता चला 35 में से 32 बच्चे फेक हैं, यानी प्रिंसिपल ने झूठी कंप्लेन बना दी, न उनके रोल नंबर हैं न वो बच्चे हैं, और उसकी नौकरी छीन ली गई। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो झूठे आरोप लगाकर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, और अगर वो नहीं किया गया तो प्रोसीजर फॉलो करके लक्ष्मण यादव की तरह नौकरी छीन ली जाएगी। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको उसके विश्वविद्यालय में इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। और तारीख आने वाली है 17 जनवरी, जब इस देश में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी। आज भी एक सवाल इस देश में पूछा जाना चाहिए कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक के बाद क्या हम विश्वविद्यालयों को बचाने लायक भी नहीं बचेंगे? यह लड़ाई बहुत बड़ी है, जो बोल रहा है वो तो मारा ही जाएगा। बहुत सारे लोग चुपचाप जो बैठे हैं इस उम्मीद में कि वो नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे। चेकवेरा की वो लाइन मैं बार बार दोहराता हूं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, और आखिरी में आपसे यह आगाज करना चाहते हैं, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भले ये थोड़े से लोग हैं, भले ये 2-3 दिन में ये गौतम आनंद जी और इनकी पूरी टीम ने और आप सब तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम कर दिया, और अभी भी हम यहां पर खड़े होकर ये आगाज कर चुके। एक शेर मुझे बहुत मौजू लगता है, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं इस वास्ते सफर में इस एतमाद पर हूं, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकरों की धूल से। और इसलिए हम ये आगाज करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ये करने के बाद अब मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठने लायक नहीं, वो देखते ही वो मुझे नौकरी से निकालेंगे। लेकिन तुम छीन सकते थे तो केवल नौकरी थी वो तुम छीन लिए, हौसला और हिम्मत तुम कैसे छीनोगे? उसे लेकर भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के ख्वाब को कैसे छीनोगे? बिरसा फूले अंबेडकर के और संविधान और मंडल कमीशन के इस सपने को कैसे छीनोगे? हम इस सपने को लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाने की कोशिश करेंगे, उस आखिरी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब यह सब बर्बाद हो रहा था तो कुछ थोड़े से लोग थे जो उस बर्बादी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हमें पता नहीं कि अगला कार्यक्रम कहां हो पाएगा। बिहार के साथियों ने हिम्मत दी है, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने हिम्मत दी है, और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करके जा रहा हूं, सवाल केवल भाषण देने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम सब तो कन्विंस लोग थे ना, तो कन्विंस कोई कन्विंस कराकर कोई कामयाब कार्यक्रम नहीं होता। लेकिन आपने हमें हिम्मत दी, आइए हम दोनों मिलकर एक संकल्प लें। अब तो वैसे ही बेड़ी काट दी है, पहले मैं सैटरडे और संडे ही जाकर संविधान और मंडल की बात किया करता था, मानवता की बात किया करता था, अब तो 7 दिन हमारे पास हैं। आप जिस दिन बुलाएंगे हम आपके गली चौराहे तक भी आने की कोशिश करेंगे, दरी बिछाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और इस कार्यक्रम के श्रृंखला को यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। बिहार के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तमाम हैं, उन सब जगह अगर आप कार्यक्रम रख सकते हैं तो रखिए। हम सब आपस में राय मशवरा करके हर जगह चल के ये कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, यूपी में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, और ये सारे कार्यक्रम करते करते हम चाहेंगे कि बंदूक और तलवार हारे, कलम और किताब जीते। इसी उम्मीद में ये आप सब लोगों के कार्यक्रम के साथ, वो बिंब मुझे बार बार याद आता है, कबीर से शुरू किया था, कबीर पर ही खत्म कर रहा हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना, चलो हमारे साथ। ये घर फूंक करके चलना होगा, तभी हम सेफ जोन में बैठ करके चाहें कि मुट्ठी भी तनी रहे और कांक भी दबी रहे, इससे क्रांति नहीं होती। हम लोग अगर समझते हैं तो थोड़ा वक्त निकाल कर कि कलम और किताब बचाने की लड़ाई को लड़ें। और इसी बात के साथ वो आखिरी बिंब